आज हमारा ये रूटीन नाका हमारा जो है वो लगाया हुआ है, जो ट्रैफिक वायलेशन है, खासकर जो मेटाडोर्स मिनी बसेज हैं इनकी देख रहे हैं कि फिटनेस वगैरह जो है ना, जब बाकी जो कागज़ है वो होने चाहिए, फिटनेस होगी, इंश्योरेंस हो गया है ना, बाकी तो ये बहुत ज़रूरी है खासकर मिनी बसेज का। तो लोगों से यही अपील है कि ये आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, और जो भी ज़रूरत के कागज़ जो हैं वो अपने अपडेट रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस लोग ऐसे ही समझते हैं कि करवा लेंगे, इंश्योरेंस का क्या है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो इंसान के खुद के लिए है। अगर इंश्योरेंस होगी गाड़ी की तो वो है आगे आने वाला, किसी को कोई पता नहीं कि हादसा कब होगा, अगर इन केस कभी ऐसा खुदा ना करे कभी हादसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस जो है उस समय याद आती है, तो इसलिए इंश्योरेंस जो है होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा शहर के अंदर जो है वो अभी ITMS जो है वो कार्यरत है, तो सारा जो अभी चलानिंग जो है ऑनलाइन चलानिंग हो रही है, वायलेशन जो है थ्रू कैमरा जो है वो कैप्चर हो रही हैं, तो मकसद ये है कि कम से कम जो है वो वायलेशन हो, और जिससे कि हमारा जो शहर के अंदर जो है रोड एक्सीडेंट्स हैं वो जो है वो मिनिमाइज हो। कई लोग काफ़ी है जिनको कैमरे के बारे में नहीं है, कैमरे को फॉलो नहीं, देखिए कैमरा ऐसी चीज़ है उससे कोई बच नहीं सकता ना, तो यहाँ तक जो पहले कहते थे नहीं जी उसको चलान नहीं किया, उसको छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कैमरा लगने से ये हो गया कि इंसान को पता तब चलता है जब उसको मैसेज आता है कि मेरा जो है वो चलान हो गया है। तो इसलिए लोगों से यही अपील है कि आप जो है अपना कैमरे से कोई नहीं बच सकता है और कोई सिफारिश भी नहीं चलने वाली है, तो इसलिए जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, है ना, एक अच्छे सिटीज़न बने, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। आपका मैं देख रहा था वो जो मिज़ोरम है ना, मिज़ोरम का जो ट्रैफिक सिस्टम है वहाँ का ट्रैफिक का वो इतना ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ के लोगों की जो जो सिटीजन्स हैं जो वहाँ के उनकी है। नागरिक जो हैं वो इतने सभ्य हैं, इतने सिविलाइज्ड हैं ट्रैफिक रूल्स को लेके, वो आप देख, मैं एक उसमें एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, उसमें तो जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन जहाँ पे कंटिन्यूस सेंटर लाइन है, इसका मतलब आप जो है ओवरटेक नहीं करोगे, है ना, तो वो उस वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो उस फोटो में मैंने देखा कि पूरा इतना बढ़िया डिसिप्लिन उनका है कि एक भी बाइक या कोई गाड़ी जो है वो उस लाइन के दूसरी तरफ, आप ये मान लो 6 इंच भी गाड़ी इधर उधर नहीं थी। तो इस तरह का डिसिप्लिन होगा तो मुझे नहीं लगता फिर कोई चलान भी किसी को होंगे, अगर इतना आला दर्जे का डिसिप्लिन लोगों में आ जाए तो। जैसे बड़ी बड़ी सिटी है, स्मार्ट सिटी है, जम्मू को क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा अभी? देखो ये स्मार्ट सिटी तो डेवलप हो ही रही है ना, आप देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है, तो लेकिन स्मार्ट होने सिटी तो स्मार्ट करने के उससे क्या होगा, जब तक हम लोग खुद स्मार्ट नहीं बनेंगे, तो मेरा कहने का मतलब कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी स्मार्ट बन रही है, तो जो सिटीज़न जो हैं उनको भी स्मार्ट का मतलब ये है कि उनको इस ट्रैफिक जो जो नियम है उनसे अवेयर होना होगा, और क्यों फॉलो करना है, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर जो अगर 900 साल में जो है 900 से हज़ार के सॉरी जम्मू कश्मीर में 900 से हज़ार के बीच में अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इनको कम करने की जिम्मेदारी हमारी तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है एक सिटीज़न जो है हमारे यहाँ के जो शहरी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान चाहिए ताकि हम इस फिगर को जो है वो कम कर सकें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।